हेलो फ्रेंड्स, गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। अज 14 जुलाई है ते आपां रेडी हां अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जिहड़ा कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दे लई। अगर आपां गल करिए PCS पंजाब पटवारी, PPSC, PSEB क्लर्क, SSC या बैंकिंग दे जिन्ने भी एग्जाम्स तुसीं देना चाहुंदे उहनां दे लई एक करंट अफेयर सेशन पूरे तरीके नाल एग्जाम ओरिएंटेड रेडी कीता जांदा है। आपां स्टार्ट करांगे सेशन। सेशन शुरू करन तो पहले सैशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिते भी तुसी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, जिते भी शेयर कर सकते हो। इस तो इलावा अगर तुसी इंपोर्टेंट बैचिज के ज्वाइन कराना चाहते हो, मिशन IBPS RRB के लिए बैच लॉन्च किया गया, JEE पंजाब के लिए पंजाब पुलिस SI बैच या पटवारी के लिए जिहड़ा एग्जाम बैच लॉन्च किए गए हैं, तुसी चाहो तो अपने आप नूं एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए या तो तुहानूं साडी वैबसाइट पर विजिट करना पेगा। इस वैबसाइट पर विजिट करके तुसीं साड़ी एप्लीकेशन या साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इन्हां दे उत्तों तुसीं अपना एनरोल करवा सकते हो अपनी बैच दे विच। इस तो इलावा अगर तुसीं चैनल नूं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, और अगर किसी भी तरीके की क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो तो भी तुसीं इस वैबसाइट तो तुसीं चैक कर सकते हो। आपां स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले फर्स्ट न्यूज़ आपां डिस्कस करेंगे 11th जुलाई। 11th जुलाई नूं नैशनल पॉपुलेशन डे ओबजर्व किया गया, जिसकी थीम रही सी पुटिंग द ब्रेक ऑन COVID-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स। जिसकी थीम रही सी पुटिंग द ब्रेक ऑन COVID-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स। 11th जुलाई नैशनल फिश फार्मर्स डे, नैशनल फिश फार्मर्स डे ओबजर्व किया गया 10th जुलाई। UAE यूनाइटेड अरब एमीरेट्स पहला ऐसा देश बनेगा जिहड़ा मार्स मिशन लॉन्च करेगा। पहला ऐसा अरब देश बनेगा, फर्स्ट अरब कंट्री बनेगी UAE जिहड़ा लॉन्च करेगी मार्स मिशन। मार्स मिशन का नाम रखा जाएगा होप प्रोब। 15 जुलाई इस लॉन्च किया जाएगा आबू धाबी। UAE की कैपिटल है और दिरहम इतने करंसी चलती है। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च डिजिटल हार्ट फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सैक्रीफाइशियल एनिमल्स। एनिमल्स के सैक्रीफाइस के लिए ऑनलाइन सेल और परचेज लॉन्च की गई, उसके लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च किया गया बांग्लादेश द्वारा। केड़ी कंट्री द्वारा पूछा जाएगा? डिजिटल हार्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका चलती है। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप इसके प्रोड्यूसर के गल करिए तो चाइना सब तो टॉप पर है, इंडिया सैकेंड नंबर से सीगा, और वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल PPE बनाया गया इंडिया द्वारा विद ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प के नाल पहला रीयूजेबल PPE इंडिया द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा रीलॉन्च किया गया अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म Google+। Google+ नूं रीलॉन्च किया गया एज Google Current के नाम तो Google+ नूं रीलॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे बेसिकली स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, इन्हां द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, असीम पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसकी फुलफॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग इस पोर्टल नू लॉन्च किया गया महेंद्र नाथ पांडे द्वारा। मास्टर कार्ड की गल करिए, इसने इन्वेस्ट करने की गल की है 250 करोड़ रुपीज़ इन इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मास्टर कार्ड 250 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई उसके स्टडी रिकमेंडेशन के लिए इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप नू या कह सकते कमेटी बनाई गई, उस कमेटी नू हैड कौन करेगा? सुरेश माथुर उस कमेटी नू हैड करनगे। नेक्स्ट है, SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI द्वारा एक कमेटी बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी डेट एडवाइजेज द कैपिटल मार्केट रेगुलेशन मैटर्स। कैपिटल मार्केट रेगुलेशन दे मैटर्स और
डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए सेबी द्वारा जी कमेटी बनाई गई है उसके हैड होंगे उषा थोरोट। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ने RBI दे रह चुके हैं, RBI दे डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, 2 times यूरोपियन वेटलिफ्टिंग चैंपियन। 2 बार यूरोपियन वेटलिफ्टिंग दे विच चैंपियन रह चुके, रशिया तो बिलोंग करते हैं एंद्रे दैमानोव। इन्हों सस्पेंड किया गया डोपिंग दे, डोपिंग चार्जिज लगाए गए हैं इन्हों उत्ते एंड्रे दैमानोव। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने पार्टनरशिप की है ADB के नाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाल फॉर एनर्जी सैक्टर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलेंस। एनर्जी सैक्टर के सस्टेनेबिलिटी और रेजिलेंस के लिए IEA ने ADB बैंक के नाल पार्टनरशिप की है। IEA 1973 दे विच बनाया गया सी और पैरिस फ्रांस दे विच इसका हैडक्वार्टर है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कतर बेस्ड EAA एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन दे नाल जिहड़ी कि कतर दा बेस्ड है, ADB ने पार्टनरशिप की किस दे लई, टू वर्क जॉइंटली फॉर क्वालिफाई प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। किन्ने मिलियन दा? 100 मिलियन दा। एजुकेशन अबव ऑल इसका जिहड़ा हैडक्वार्टर है दोहा कतर दे विच है और इसके हैड ने शेखा मोजा बिंत नसीर। नेक्स्ट है बोइंग द्वारा 5 AH-64E अपाचे हैलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स नू, ये कह सकते हैं लास्ट कंसाइनमेंट सेगा जिहड़ा प्रोवाइड किया गया है इंडियन एयरफोर्स नू अपाचे हैलीकॉप्टर्स का। इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा एक अवार्ड दिया गया EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसन दिता गया? इंडियन ओलंपिक कमेटी नू। इस तो अलावा इंडियन ओलंपिक कमेटी ने 100 साल पूरे होने पर ओलंपिक्स के विच लोगो रिलीज़ किया, अपना एक नवा लोगो रिलीज़ किया। नेक्स्ट है राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर कौन ने? रघु शर्मा। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने, इन्होंने प्योर फॉर श्योर एक वीक लॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया 8 to 14 July तक, यानी कि अज तक लॉन्च किया गया सी कैंपेन टू एनज्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुमेश अमोनकर। गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुमेश अमोनकर की रिसेंटली डैथ हो गई है ड्यू टू COVID-19। तमिलनाडु दोबारा मार्केट बोरोइंग्स दे विच टॉप किया गया, RBI द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, इस दे विच सबसे ज़्यादा मार्केट बोरोइंग्स केड़ी स्टेट दियां ने? तमिलनाडु दियां। अमाउंट याद रखांगे, इस तो अलावा सैकेंड प्लेस ते महाराष्ट्र रहा है एनी अमाउंट दे नाल, ठीक है जी, 25,500 करोड़ अमाउंट दे नाल सैकेंड प्लेस ते महाराष्ट्र। नैक्सट है कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट दे नाल पार्टनरशिप की, कर्नाटका ने टाइड अप विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट लोकल आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम्स लोकल आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम्स दी प्रमोशन दे फ्लिपकार्ट दे नाल पार्टनरशिप की गई कर्नाटका द्वारा। मणिपुर ज्ञानेंद्रो निगोमबैम नू अपॉइंट किया गया प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया दे इंटरिम प्रेजिडेंट कह सकते हैं, अपॉइंट किए गए ने आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मुहम्मद मुश्ताक अहमद दे रेजिग्नेशन तो बाद। कितों बिलोंग करते हैं? मणिपुर तो बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया का हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली दे विच है और सैक्रेटरी जनरल ने रजिंदर सिंह सैक्रेटरी जनरल ने हॉकी इंडिया दे। इस नैक्सट है नवतेज बाल नू एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किया गया माइक्रोसॉफ्ट का एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर किन्ना नू अपॉइंट किया गया? नवतेज बाल नू। नैक्सट है आप डिस्कस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ UTs, आप जिन्नी भी स्टेट्स ने उन्होंने सारे दे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर डिस्कस कर चुके हैं, अज आप UTs के बारे डिस्कस करेंगे। सब तो पहले चंडीगढ़ के गवर्नर ने VP सिंह बदनौर, अंडेमान निकोबार के गवर्नर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी, लक्षद्वीप के ने दिनेश्वर शर्मा
दमन एंड दीव ते दादर एंड नगर हवेली इन इन दोनों एक यूटी बनाने की भी गल चल रही है। इन दे जिहड़े गवर्नर ने सिंगल परसन ने प्रफुल पटेल दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली के गवर्नर ने। लद्दाख रिसेंटली लद्दाख और जम्मू कश्मीर नू यूटी बनाया गया सी। लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर अपॉइंट किए गए और जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू या कह सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंट किए गए। दिल्ली के गवर्नर ने अनिल बेजल दिल्ली के गवर्नर ने। इस तो अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी ने अरविंद केजरीवाल। इंडिया के दो ऐसी यूटीज़ ने जिन्हें गवर्नर के नाल नाल चीफ मिनिस्टर भी ने, यानी कि विधानसभा है उत्थे दिल्ली और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की गल करिए लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इत्थे दे किरण बेदी और चीफ मिनिस्टर ने वी नारायण स्वामी पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर ने। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर हिट्स डॉक्यूमेंट्री चीलोपू हनी हंटर्स। सब तो पहले कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिता गया किसनू दिता गया। फोर्थ ऑप्शन केजांग डी थोंगडोक इन्हों दादा साहेब फाल्के अवार्ड का 2020 किस दिता गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश तो। किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश तो। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हों किस दे लिए दिता गया, किहड़ी डॉक्यूमेंट्री लिए दिता गया। चीलोपू हनी हंटर्स इस दे लिए इन्हों अवार्ड दिता गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। ठीक है जी, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं इतों, तीनों आप डिस्कस कर ले। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए इन्हों दे विचों अमिताभ बच्चन का नाम इंपोर्टेंट बनेगा। इन्हों दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 दिता गया सी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 किन्हां दिता गया सी, अमिताभ बच्चन जी नूं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ दलाई लामा। सब तो पहले अगर आप बौद्धिस्ट धर्म की गल करते हैं, बुद्धिस्ट की गल करते हैं तो उन्होंने जी हायर पोस्ट होंगी, एक नाम नहीं है पोस्ट का, नाम है दलाई लामा। तो इन्हों के कह सकते हैं 14वें दलाई लामा इन्हों नाम इन्होंने उत्ते एक बुक लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। किन्हां द्वारा लिखी गई यह बुक? तेंजिन गायचे थेदोंग द्वारा एक बुक लिखी गई His Holiness the 14th Dalai Lama। ठीक है जी, और अगर आप गल करिए 14th Dalai Lama का की नाम है, उन्होंने नाम है तेंजिन ग्यात्सो। पॉपुलर है दलाई लामा के नाम तो ही होंगे ने, पर इन्हों का नाम की है, ओरिजिनल नेम की है? तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है जी, बेसिकली इस टाइम ये धर्मशाला रहते हैं उत्तराखंड नहीं सॉरी यूपी हिमाचल धर्मशाला। वी पताबी राम की गल करिए इन्हों द्वारा बुक लिखी गई, इन्हों द्वारा गैटिंग कंपिटिटिव ये बुक लिखी गई सी वी पताबी राम द्वारा। आर सी भार्गव द्वारा बुक लिखी गई सी हायर एजुकेशन समथिंग नेचर ऑफ हायर एजुकेशन इस तरीके की बुक लिखी गई सी आर सी भार्गव द्वारा। अश्वनी कुमार माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अश्वनी कुमार, आर सी भार्गव फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन और वी पताभी राम द्वारा गेटिंग कंपिटिटिव इन तीन बुक्स नू इन द्वारा लिखा गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT केड़ी IIT ने टाइड अप किया विद मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के नाल जिसका नाम है नवीडिया। केड़ी IIT ने नवीडिया के नाल एग्रीमेंट किया? क्वेश्चन डायरेक्ट है कि केड़ी IIT द्वारा नवीडिया के नाल एग्रीमेंट किया गया किस दे लई? इंडियाज़ फर्स्ट नवीडिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर। एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा केड़ी IIT दे विच? IIT हैदराबाद दे विच। फिफ्थ ऑप्शन IIT हैदराबाद ने पार्टनरशिप की नवीडिया के नाल इंडिया का पहला नवीडिया टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए, इंडिया के पहला नवीडिया टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। इस तो इलावा अगर IIT हैदराबाद की गल करिए रिसेंटली DRDO के नाल भी इसने पार्टनरशिप की थी।
एक रिसर्च सैल डेवलप करने के लिए DRDO ने पार्टनरशिप की थी IIT हैदराबाद के IIT कानपुर की गल करिए रीसेंटली इसने मोबाइल मास्टर जी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मोबाइल मास्टर जी। IIT दिल्ली बिल्कुल रीसेंटली इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी कोपाल 19 COVID-19 की सिचुएशन के दौरान प्लाज्मा पेशेंट्स ने जोड़े उन्होंने ट्रैक करने के लिए कोपाल 19 IIT दिल्ली द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई थी जिस नाल उन्होंने ट्रैक किया जा सके जेडे कि प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा डोनर्स ट्रैक करने के लिए। IIT रुड़की ने एक वेंटीलेटर डेवलप किया सीगा अगर आप गल करिए प्राण वायु वेंटीलेटर IIT रुड़की द्वारा डेवलप किया गया से। इस तो अलावा यूनीसेवियर बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनीसेवियर किस द्वारा IIT रुड़की द्वारा यूनीसेवियर नाम का बॉक्स डिसइनफेक्शन बॉक्स डेवलप किया गया। IIT गुवाहाटी फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर के नवे प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ने नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ने कौन अपॉइंट किए गए ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट फर्स्ट ऑप्शन ली हसीन लोंग इन्हों सिंगापुर के नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शन की गल करिए लैजारूस चकवेरा मलावी के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए ने लैजारूस चकवेरा गुडनी जोहनसन अपॉइंट किए गए सी प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी रीअपॉइंट किए गए सी ये आइसलैंड दे नवे प्रेजिडेंट गुडनी जोहनसन माइकल मार्टिन आयरलैंड दे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी ये प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी ए भी प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी ली हसून लोंग प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। वोल्किन बोसगिर भी प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी पर किसी कंट्री दे नहीं ये अपॉइंट किए गए सी 75th यूनाइटेड नेशनस असेंबली दे 75th एडिशन दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी वोल्कन बोसगिर और यह टर्की तो बिलोंग करते हैं कितों बिलोंग करते हैं ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज अ वाइट पेपर किस द्वारा रिलीज किया गया ऑन फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट COVID-19 एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स स्टेटस इश्यूज टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस। ध्यान ना समझने कि एक वाइट पेपर कह सकते एक एग्री इसमें आप कहेंगे हिंदी के वाइट पेपर ही कह लें कि वाइट पेपर एक नोटिफिकेशन कह सकता रिलीज़ की गई कि जिसके उत्ते की किया जाएगा कि फोकस किया जाएगा COVID-19 तो पोस्ट COVID-19 खत्म होने तो बाद मेक इन इंडिया के उत्ते दूसरी स्टेटस इशूज टेक्नोलॉजी और चैलेंजिज फार्मास्यूटिकल के उत्ते किस द्वारा रिलीज़ किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा एज ए की ने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इन्होंने इसनों रिलीज़ किया एज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्होंने इसनों रिलीज़ किया ठीक है जी डॉक्टर हर्षवर्धन। इस तो अलावा है हेल्थ मिनिस्टर ने इंडिया दे और अर्थ साइंस मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री अर्थ साइंस मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने और चांदनी चौंक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए प्रकाश जावड़ेकर ने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री राज्यसभा एमपी ने महाराष्ट्र तो प्रहलाद जोशी की गल करिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री
अफेयर्स मिनिस्टर ने कोल और माइन मिनिस्ट्री भी है ना, अभी कोल मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री धरवड़ कर्नाटका तो लोकसभा एमपी ने। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, रेलवे और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने पीयूष गोयल, राज्यसभा एमपी ने, यह भी महाराष्ट्र तो। रमेश पोखरियाल निशांक एचआरडी मिनिस्टर ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री कह सकते हैं, और यह हरिद्वार उत्तराखंड तो, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा एमपी ने, रमेश पोखरियाल निशांक। नेक्स्ट है, इंडिया बिकम्स डैश लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ यूके। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि यूके की गल करिए, यूनाइटेड किंगडम दे विच इंडिया किनवा लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन चुके हैं, यानी कि किनवा लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन चुके हैं आफ्टर यूएसए। सब तो ज़्यादा यूएसए की इन्वेस्टमेंट है इंडिया यूके दे विच, और सेकंड नंबर दे इन्वेस्टमेंट इंडिया की है यूके दे विच, यूनाइटेड किंगडम। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूके की, यूके दे बारे आप की डिस्कस कर सकते हैं, यूके दे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, यूके दे फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने। इस तो इलावा यूके ने कोप 26 समिट होस्ट करने, यूके दे ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच कोप 26 समिट हेल्ड किया जाएगा। यूके फर्स्ट कंट्री बनी सी जिसने क्लाइमेट एमरजेंसी नू डिक्लेयर किया सी, क्लाइमेट एमरजेंसी नू डिक्लेयर करने वाली फर्स्ट कंट्री यूके सी। ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच जिहड़ी कोप 26 हेल्ड की जाएगी, उसदे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी आलोक शर्मा। ये सारी चीज़ा याद रखनी ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 केड़ी ऑर्गेनाइजेशन नू दिता गया? फोर्थ ऑप्शन NTPC। NTPC नू इस अवार्ड दे नाल नामित किया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है, और गुरदीप सिंह इज़ दे हेड ने। इंडियन ओलंपिक कमेटी नू एक अवार्ड आप हुने डिस्कस करके हटे हाँ, कल भी आप डिस्कस किया सी ये कि इंडियन ओलंपिक कमेटी नू यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दे नाल नामित किया गया, इंडियन ओलंपिक कमेटी नू। इस तो इलावा इसरो की गल करिए, इंडिया की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 इसरो बनाई गई, के सिवान इस दे हेड ने, और कर्नाटका बेंगलुरु दे विच हेडक्वार्टर है। DRDO न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है, इसनू फर्स्ट जनवरी 1958 नू DRDO बनाई गई सी, न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन ने, इन्हां नू अमेरिका द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी दिता गया सी। अमेरिका द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसनू दिता गया सी? जी सतीश रेड्डी नू। नेक्स्ट, इंडियाज टाइगर सेंसिस ऑफ 2018 हैज सेटअप अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया ने टाइगर सेंसिस कंडक्ट किया 2018 के, इंडिया ने टाइगर सेंसिस कंडक्ट किया 2018 के, इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इसका नाम ऐड किया गया, क्योंकि इस यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे बन चुके हैं। इसका मतलब की है कि कैमराज लगाए गए डिफरेंट लोकेशन के उत्ते, जेडे की करते सी कोई भी एनीमल जो उतों पास हुंदा सी उसदी मूवमेंट नू लोकेट करते सीगे, उसके हिसाब नाल वर्क करते, जिस नाल इन्होंने सेंसिस कंडक्ट किए, इंडिया ने अपने
सेंसिस कंडक्ट किए डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप गल करिए सब तो ज़्यादा टाइगर अपने MP दे विच या कर्नाटका दे विच पाए जाते हैं। MP और कर्नाटका ऐसी स्टेट्स ने जिन्हों के टाइगर की काफ़ी ज़्यादा गिनती पाई जाती है, और MP नू टाइगर स्टेट्स भी स्टेट भी कहा जाता है। इस तो अलावा MP दे विच सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क्स पाए जाते हैं, सब तो ज़्यादा फॉरैसट एरिया MP दे विच है, इस करके वर्ल्ड सब तो ज़्यादा टाइगर्स कितने ने MP दे विच ने, और जिस कारण इसनू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दिता गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे दे लई। अपना क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स किन्ने सी उस सर्वे दे विच, उस सर्वे दे विच टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स किन्ने पाए गए सी, किन्ने पाए गए सी 2967। इंडिया दे विच अगर आपां पूछा जाए कि सब तो ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स किन्ने सेंसिस दे दौरान किन्ने फाउंड किए गए सी 2967, और अगर आप ग्लोबली गल करिए ग्लोबली यह 75% है टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स का, वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स का 75% है 2967। इंडिया दे विच इन्ने ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, पर अगर आप वैसे गल करिए पॉपुलेशन की तक वेरी बहुत ज़्यादा घट है टाइगर्स की पॉपुलेशन, कि 3000 तो भी ज़्यादा है, घट है। नेक्स्ट है इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम अ रेयर गोल्डन टाइगर इज सपोर्टेड। ये भी काफ़ी इंट्रस्टिंग क्वेश्चन है कि असम के एक नैशनल पार्क के असम के एक नैशनल पार्क के एक रेयर गोल्डन टाइगर पाया गया, एक रेयर गोल्डन टाइगर सपोर्टेड किया गया किड़े नैशनल पार्क के, किड़े नैशनल पार्क के काजीरंगा नैशनल पार्क, फस्ट ऑप्शन काजीरंगा नैशनल पार्क के। वैसे तो इस न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने लिए इस करके इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि असम ही नैशनल पार्क दे रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ दे विच सीगा कि इस दे विच 5 नैशनल पार्क्स ने और एक नवा नैशनल पार्क बनाने की गल की गई है, जिसका जिहड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी देहिंग पत्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नू नैशनल पार्क बनाने की गल की गई है असम दे विच। ठीक है जी, इस तो अलावा असम के जिहड़े नैशनल पार्क्स ने काजीरंगा मानस नामेरी ओरांग और दिब्रू साइकोबा, काजीरंगा मानस नामेरी ओरांग दिब्रू साइकोबा नैशनल पार्क, 5 नैशनल पार्क्स ने असम दे विच, ये याद रखने ने। और गोल्डन टाइगर कित्थे दिखिया, काजीरंगा नैशनल पार्क दे विच, कित्थे देखा गया, काजीरंगा नैशनल पार्क असम दे विच। ठीक है जी, और 6वां नैशनल पार्क अपना हो जाएगा दिब्रू देहिंग पत्कल नैशनल पार्क। इस तो अलावा जिहड़ा काजीरंगा नैशनल पार्क है ये फेमस है असम का वन हॉर्न्ड राइनोसोरस दे लई, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस दे लई फेमस है, ये भी याद रखने काजीरंगा नैशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनो दे लई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन अटल ऐप फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दे लई ATL एप्लीकेशन लॉन्च की गई किस द्वारा लॉन्च की गई, इसनों नीति आयोग द्वारा स्टूडेंट्स के लिए ATL एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया। नीति आयोग की गल करिए इसनों 2015 दे विच बनाया गया सीगा प्लैनिंग कमीशन नू रिप्लेस करके, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म बनती है। इस तो अलावा नीति आयोग के बारे अगर आप डिस्कस करिए इसके चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन कौन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन इसे वाइस चेयरमैन इसदे राजीव कुमार और CEO ने इसदे अमिताभ कांत इसदे CEO ने नीति आयोग दे। इस तो अलावा CSIR ने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी किसान सभा एप्लीकेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च समथिंग इस तरीके इसकी फुल फॉर्म है, किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की थी CSIR ने। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस दोबारा अगर आप गल करिए रिसेंटली फेसबुक के नाल पार्टनरशिप की गई सी। इस तो अलावा न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडक्वार्टर है, और मनोज अहूजा इसके हैड ने, 1962 दे विच इसनों बनाया गया सी, मनोज अहूजा CBSE दे हैड ने। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पंजाब की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और HRD मिनिस्ट्री की गल करिए रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने, हमने आप इन्हों का नाम डिस्कस किया हरिद्वार उत्तराखंड तो।
हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा एमपी ने, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा एमपी ने। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्टेट लैवल ई लोक अदालत कंडक्टड, केड़ी स्टेट दे विच इंडिया दी पहली स्टेट लैवल ई लोक अदालत। आप डिस्कस किया पहले, अगर काफ़ी पुरानी न्यूज़ की गल करिए कि लोक अदालत लाई जाते हैं, नैशनल लोक अदालत, स्टेट लैवल लोक अदालत, ये लगाई जाते हैं हर साल या कह सकते हैं कुछ कुछ महीनों के टाइम पीरियड के बाद मंथली लोक अदालत भी होंगे ने। और हुण लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान जिहड़ी कोर्ट्स है उसकी वर्किंग टोटली रद्द किया गया है, काफ़ी घट कोर्ट की जिहड़ी तारीखा पै रही ने वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही हो रहा सारा कुछ। तो इन्होंने की कह रहा, लोक अदालत कंडक्ट की, एक स्टेट ने लोक अदालत कंडक्ट की, और किस तरीके नाल ई लोक अदालत यानी कि वर्चुअल लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इसनों हैल्ड किया गया, केड़ी स्टेट द्वारा हैल्ड किया गया, इसनों हैल्ड किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा, केड़ी स्टेट द्वारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत नू कंडक्ट किया। ठीक है जी, ये याद रखने, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने। वैसे छत्तीसगढ़ के सियासी पॉलिटिक्स चल रही है, लड़ाई चल रही है, पर उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, अपने लिए नहीं इंपोर्टेंट बनेगा। आप डिस्कस करते हैं कुछ होर न्यूज़ के रिलेटेड। सब तो पहले झारखंड, झारखंड के रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के नाल, HDFC बैंक के नाल पार्टनरशिप की, किस दे लई, डिजिटल पेमेंट्स दे लई। डिजिटल पेमेंट्स किस चीज़ के रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स कितने जाएगियाँ ट्रैफिक वायलेटर्स द्वारा, कि जेडे चलान वगैरह होंगे ने ट्रैफिक वायलेट करते हैं उन्होंने उत्ते, उन्होंने डिजिटल पेमेंट की जाएगी उन्होंने द्वारा HDFC बैंक की हैल्प के नाल। हरियाणा, हरियाणा की गल करिए, हरियाणा द्वारा समाधान से विकास, समाधान से विकास, समाधान से विकास एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फॉर द रिकवरी ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज। किस चीज़ के लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जिज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जिज, जो कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं उन्होंने उत्ते जो डेवलपमेंट चार्जिज लगते हैं वह लैन के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जिज होंगे ने, वह काफ़ी टाइम तो ड्यू चलते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज द्वारा, जिहड़ा टैक्स वगैरह होंगे उसको कलैक्ट करने के लिए। समाधान से विकास, समाधान से विकास यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हरियाणा द्वारा, हरियाणा द्वारा ही रिसेंटली 75% जॉब्स नू लोकल जॉब प्राइवेट जॉब्स नू लोकल्स दे लई रिजर्व किया गया सी, लोकल्स दे लई 75% जॉब्स नू रिजर्व किया गया सी। इस तो इलावा MP की गल करिए, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स MP द्वारा लिते गए हैं रिसेंटली, दीदी व्हीकल सर्विस, चरण पादुका कैंपेन, कोरोना वॉरियर स्टेटस प्रोवाइड किया गया दिवांग आंगनवाड़ी वर्करस नू, इस तो इलावा किल कोरोना कैंपेन, किल कोरोना कैंपेन भी MP स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही लॉन्च किया गया सीगा, FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार। इस तो इलावा जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये सारे इनिशिएटिव दिते गए सी MP स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे की डिस्कस कर सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश रीसेंटली ई पंचायत पुरस्कार के टॉप पर रहा सीगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने की किया सी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई सी पूरी स्टेट दी पंचायत नू। इस तो इलावा LPG कनेक्शन 100% करन वाली केड़ी स्टेट रही सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये सारी फैक्ट्स याद रखने ने। नेक्स्ट, रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल हैज़ ऑनर्ड विद स्टेट चीफ मिनिस्टर, रोटरी फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल दी फाउंडेशन द्वारा, रोटरी द्वारा एक अवार्ड दिता गया पॉल हैरिस फेलोशिप और फेलोशिप रीऑर्गेनाइजेशन, पॉल हैरिस फेलो रीऑर्गेनाइजेशन, किसनू ए अवार्ड दिता गया, यह अवार्ड किसनू दिता गया रोटरी फाउंडेशन द्वारा, रोटरी फाउंडेशन द्वारा ये किसनू दिता गया, यह दिता गया केड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर EK पलाना स्वामी, EK पलाना स्वामी नू पॉल हैरिस फैलो रीऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिता गया रोटरी इंटरनेशनल द्वारा, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा, ये याद रखना है EK पलाना स्वामी। अच्छा, सिमिलर तरीके से अगर अवार्ड्स की गल करिए चीफ मिनिस्टर्स नू रिसेंटली कुछ दिते गए सी, उन्होंने असम के
असम के चीफ मिनिस्टर नूं भी अवार्ड दिता गया सी, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नूं भी अवार्ड दिता गया सी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने नवीन पटनायक इन्हां नूं हीरो टू एनीमल अवार्ड दिता गया सी। हीरो टू एनीमल अवार्ड किस द्वारा? पैटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनीमल अवार्ड किसनों दिता गया सी? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक नूं। ठीक है जी। और असम के चीफ मिनिस्टर नूं केड़ा अवार्ड दिता गया सी? असम के चीफ मिनिस्टर कौन ने? सर्बानंद सैनोवाल। इन्हां नूं केड़ा अवार्ड दिता गया सी? इन्हां नूं केड़ा अवार्ड दिता गया सी कमेंट बॉक्स दे विच दसने। ठीक है जी, केड़ा अवार्ड दिता गया सी कमेंट बॉक्स दे विच दसने। चलो मैं दस दिना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड दे नाल सम्मानित किया गया सी फॉर पॉलिटिक्स। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए त्रिपुरा के रिलेटड, एक न्यूज़ है त्रिपुरा के रिलेटड, वैसे न्यूज़ नहीं है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक बटरफ्लाई है जिसनों 61 साल बाद देखा गया। 61 साल बाद उसनों त्रिपुरा के देखा गया। बेसिकली 3-eyed बटरफ्लाई है वह। इसका नाम रखा गया यपथीमा वाटसोनी। एक बटरफ्लाई है जिसनों 61 साल के बाद 61 ईयर्स के बाद देखा गया, और 61 ईयर्स पहले इसनों मणिपुर के देखा गया सी। 1958 के लास्ट टाइम मणिपुर के देखी गई सी, और 61 ईयर्स तो बाद इसनों दोबारा देखा गया। इस तों इलावा मणिपुर के उखरूल के लिली फैसटिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया, त्रिपुरा के हॉर्नबिल फैसटिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये याद रखने ने। ठीक है जी, आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।